नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार विधानमंडल में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और लगातार आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है। चाहे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, रोजगार की, या फिर बिहार में बढ़ते हुए अपराध की, हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही साथ तमाम विपक्ष के विधायक सक्रिय दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से कई सारे सवाल करते हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर मंत्रियों की बात की जाए तो इन दिनों प्रमुख मुद्दा कई सारे मंत्रियों को लेकर बना हुआ है। दरअसल बिहार में काफी लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन कैबिनेट के विस्तार के साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई जो बेहद ही चौंका देने वाली थी। दरअसल उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बिहार सरकार के 50% से भी ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और फिर क्या था, विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया और उसको लेकर लगातार वो बिहार सरकार और उनके मंत्रियों पर हमलावर दिखाई देते हैं। खास करके इन दिनों बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आते हैं। और अगर उनकी निशाने की बात की जाए तो उनका पहला निशाना रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान, मुकेश सहनी और अशोक चौधरी जैसे मंत्री हैं। लेकिन आज बिहार विधानमंडल में एक बार फिर से इसको लेकर जंग शुरू होगी। वो इसलिए क्योंकि आज का जो प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है वो ये है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 66% से भी ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अगर बिहार सरकार की बात की जाए तो उनका कहना है कि इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई देता है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस बात को ठान लिया है कि अब इस मुद्दे को नहीं छोड़ना और लगातार बिहार सरकार के मंत्री को वो घेरते नजर आते हैं। और आज जो कुछ भी सदन में होगा मंत्रियों को लेकर, विपक्ष जो भी बातें रखेगा, सत्ता पक्ष जो भी बातें रखेगा, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।